22 करोड़। डरिए मत शार्क्स, ये हमारी आस नहीं है। ये इंडिया की टीनेज पॉपुलेशन है। Nice. भारत का ये आंकड़ा दुनिया में सबसे बड़ा है और इन्हें ही हम जेन जी और जेन अल्फा भी कहते हैं। इन जेनरेशंस की सबसे अच्छी बात ये है कि ये अपने दिल की सुनते हैं बिना ये सोचे समझे कि चार लोग क्या कहेंगे। पर इनकी सबसे बड़ी परेशानी पता है क्या है? ना तो इनके पास ज्यादा पैसे हैं और ना ही पेशेंस। फिर भी ये अपने मन की ही करना पसंद करते हैं, जैसे छुप छुप के मेकअप लगाना, अब वो चाहे किसी को पसंद आए या ना आए। हर लड़की ने कभी ना कभी मम्मी, दीदी या दोस्त से मांग कर लिपस्टिक जरूर लगाई है, क्योंकि टीनेजर्स को मेकअप के लिए कभी अप्रूवल ही नहीं मिला। दैट्स नॉट द नीडेड वन। बट कभी भरोसा भी नहीं मिला कि जो प्रोडक्ट्स वो यूज कर रहे हैं वो उनके लिए सेफ भी है या नहीं। बट फिर भी वो अपनी मन की किए जाते हैं। और इसी फियरलेस जनरेशन के लिए हम लेकर के आए हैं एलिटी, इंडिया का पहला टीनेज मेकअप ब्रांड। हेलो शार्क्स, मेरा नाम है प्रणाली और मैं चंद्रपुर से हूँ। मेरा नाम है वेलिना, मैं अजमेर से हूँ। एलईडी आज के टीनेजर्स के लिए एक ऐसा ब्रांड है जिसे वो ओन कर सकते हैं, फ्लॉन्ट कर सकते हैं और हक से अपना कह सकते हैं। हमारे सारे प्रोडक्ट्स टीन स्किन फ्रेंडली इंग्रेडिएंट्स जैसे कि विच हेजल और एवोकाडो ऑयल से बने हुए हैं, ताकि उनके सेंसिटिव और एक्ने प्रोन स्किन के लिए भी बिल्कुल सेफ हो। 22 कलर्ड आईलाइनर्स, लिप ग्लॉसेस, नेल पेंट्स और उसके अलावा हम लाए हैं 5 यूनिक पर्सनैलिटी बेस्ड मेकअप किट्स जो टीनेजर्स अपनी पसंद के हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हैं। अब चाहे वो कोई स्वीट 16 बर्थडे पार्टी हो, कोई कॉलेज का फेस्ट हो या यू नो जस्ट गेट रेडी विथ मी इंस्टाग्राम रील, एलिटी ऑलवेज मैचेस द टीनेजर्स वाइब। हम ये प्रोडक्ट्स हमारी वेबसाइट और सारे मेजर मार्केट प्लेसेस पर सेल करते हैं। हम अब तक 30,000 ऑर्डर्स प्रोसेस कर चुके हैं। हमारा विजन है कि हम एलिटी को टीनेजर्स का मोस्ट लव ब्यूटी ब्रांड बनाएं। हमारा आस्क है 1 crore फॉर 4% इक्विटी। सो शार्क्स, आप भी अपनी दिल की सुनिए एंड चूज करिए एलिटी। अमेजिंग, थैंक यू फॉर ब्रिंगिंग सच एन एक्साइटिंग कैटेगरी। थैंक यू शार्क्स, प्रोडक्ट्स ट्राई करना चाहिए। प्रोडक्ट्स ट्राई करते हैं। Thank you so much. Thank you. Lovely names and packaging. Thank you. एक एक पाउच में काफी thought through, काफी time लगाने के बाद basically हम launch. Lovely colors. Branding पर तो आपने काफी बारीकी से काम किया है ना? Vibe बहुत अच्छा है आपका, मतलब just generally reasonably interesting. आपने एक grown up makeup brand के बारे में तो सुना है, sugar. Of course. तो आप क्या हुई, चीनी कम? एक्चुअली शुगर प्ले हमारा कॉम्पिटिशन है। अच्छा, आपके जो आईलाइनर्स है वेरी नाइस, थैंक यू। पिंक एंड ब्लू बहुत पॉप कलर्स है, एंड इवन द ग्लॉस का जो ये है कवर, वेरी एस्थेटिक एंड वेरी ब्यूटिफुल। थैंक यू सो मच। आपके टॉप 2 सेलिंग प्रोडक्ट्स कौन से हैं? आईलाइनर एंड लिप ग्लॉस। क्या परसेंट ऑफ सेल्स आपके आईलाइनर? 80, ऑलमोस्ट 80। दैट्स व्हाट आई थॉट। बट आप ये बता देंगे कि उसमें से टॉप 2 या 3 कलर्स कितना पसंद? बिल्कुल मत बताओ। हमारा टॉप शेड है द वन दैट वी आर वेयरिंग, वन लाइलैक, लाइलैक वाइट एंड येलो। आपका भी लाइलैक ही है? नो, इंडिया का मार्केट इज 90% ब्लैक। तो आपकी जो सेगमेंट है, दे आर लुकिंग फॉर कलर्स स्पेसिफिकली, यस, एंड यू आर द फर्स्ट चॉइस फॉर देम। यस, दैट्स अ डिफरेंशिएटर। आपके ब्रांड में क्या प्राइस है, और यही चीज अगर कोई एडल्ट रेंज से लेंगे, मान लीजिए शुगर से, तो उसका क्या प्राइस होगा? इसका प्राइस 499 है, और शुगर में भी आईलाइनर्स या लिप ग्लॉस सेम प्राइसिंग पे ही है। ये मार्केट साइज कितना बड़ा है? 6 billion, मतलब 50 crore के आसपास, बट देन ऑर्गेनाइज्ड अनऑर्गेनाइज्ड वाली बात आ जाती है। नहीं नहीं, जो आपका मार्केट आप बोल रहे हो 50,000 crore का, दैट इज इंक्लूडिंग स्किन केयर, मेकअप, ब्रांडेड प्लस अनब्रांडेड मिला के आज की तारीख में 10 से 12,000 crore का ही है। गिवन दैट आप बोल रहे हैं 22 crore आज की तारीख में टीनेजर्स हैं, मेरा अनुमान है कि उसके हिसाब से करो तो ये शायद पोटेंशियल है 2,500 crore का मार्केट, व्हिच इज नॉट स्मॉल, इट्स अ बिग मार्केट। लेकिन आप इस कैटेगरी में हाउ विल यू विन? एक तो एक सेगमेंट है जो कि काफी यूनिक है हमारे लिए, काफी अंडरसर्व्ड है, और फिर हमने उनकी रिक्वायरमेंट्स को अच्छे से समझा है, जैसे उनकी सेंसिटिव स्किन होती है और उनके काफी सारे हार्मोनल चेंजेस, ये सब को ध्यान में रखते हुए
हमने जो इंग्रेडिएंट्स यूज किए हैं वो हम बोलते हैं टीन सेफ इंग्रेडिएंट्स, और फिर तीसरा जो असॉर्टमेंट ऑफ प्रोडक्ट्स है हमारा वो अगेन हमने ऐसे सिलेक्ट किया है कि वो कम्प्लीटली जो वाइब ऑफ द जेंजीज एंड टीनेजर्स है उनके साथ जाए। आज इंडिया में किसी के पास 22 कलर्ड आईलाइनर्स नहीं है, तो अच्छा। हम आगे हैं। जो जो अभी तक आपने बातें की ना, क्लीन गुड इंग्रेडिएंट्स अभी इंस्टाग्राम पे हमारी 18,000 फॉलोअर्स है। हमें ये पता चला की हमारे आई लाइनर्स से टीनेजर्स ग्राफिक आई लुक्स बनाते हैं। ये वर्ड भी हमें नहीं पता था, ये पता चला। क्या होता है ग्राफिक आई लुक्स? इंस्टाग्राम पे दिखा सकते हैं। आप कंटेंट दिखा दो प्लीज। हाँ, ग्राफिक समझ में आ रहा है क्या है? इट्स ऑलमोस्ट लाइक कॉस्ट्यूम मेकअप। But not bad, huh? 30,000 likes on this one of our paid promotions. और दिखाओ। नहीं नहीं, ये paid influencer है। तो आप बहुत कोलैबोरेशन वीडियोस डालते हो मोस्टली? बार्टर हम लोग ज्यादा करते हैं, ऑब्वियसली पेड अभी कम करते हैं। पेड हमने एक दो ही करे हैं। अच्छा है यार, आपका कंटेंट अच्छा है, प्रोडक्ट भी अच्छा है। थैंक यू अमन। थोड़ा बिजनेस बता दीजिए। हमने अगस्त 2022 में लॉन्च किया था, तो अप टू मार्च 2023 हमने नेट सेल्स किए थे अबाउट 49 लाख। ओके, अभी हम 7 महीने मतलब अक्टूबर तक बोलूंगी 1,13,00,000 कर चुके हैं। तो ये साल हम 2 करोड़ पे ऑलमोस्ट फिनिश करेंगे। इसमें से हमने कैंसिलेशंस, रिटर्न्स, टैक्स अब हटा दिया। पर 2 करोड़ में आप कमाओगे कितना? अभी तो फिलहाल कुछ भी नहीं कमाएंगे क्योंकि हम प्रॉफिटेबल नहीं है। लास्ट मंथ कितना किया आपने? नेट सेल्स 11 लाख। और लॉस कितना किया? -10 लाख एबिटा। मतलब आपने पैसे उठाए है ना? कितना उठाया, किससे उठाया? 2 फंड रेज किए हैं। एक किया था आइडिएशन स्टेज पे 2021 में, जो था अबाउट 2.1 करोड़। किससे किया था? एंजल्स थे मतलब। और वैल्यूएशन? 10 पोस्ट। एंड सेकंड फंड रेज मार्च 2023 में, वो था 3.2 करोड़ का। ओके, और वो कितना वैल्यूएशन? 20 करोड़ प्री मनी पे, तो मतलब 23.2। तो ये अभी 5 करोड़ आपने जो रेज किए उसमें से कितने खर्च कर दिए, कितने बचे? 4 तो खर्च कर दिए। सो प्रणाली एंड वेलिना 2 करोड़ के सेल्स पे 25 करोड़ वैल्यूएशन में जस्टिफाई नहीं कर पाऊंगी, स्पेशली बिकॉज आपका प्रायर फंड रेज उस वैल्यूएशन पे है। डजंट मेक सेंस टू मी, सो आई एम आउट, बट विश यू द बेस्ट, बट आई कांट बी पार्ट ऑफ योर जर्नी। चंद्रपुर और अजमेर से आके आपने इतना बोल्ड डिसीजन लिया है कि आपने एक मेकअप ब्रांड स्टार्ट किया जहां लाइलैक आईलाइनर इज द बेस्ट सेलर। इनक्रेडिबल, वेरी बोल्ड वुमेन, कंग्रेचुलेशंस। एंड मैं आज इससे 2 रीजंस के लिए बाहर हूँ। एक तो 11 लाख नेट रेवेन्यू पे जब 8-10 लाख का लॉस होता है तो उसका मतलब है कि कंट्रीब्यूशन मार्जिन जिसे बोलते हैं उसमें भी आप शायद नेगेटिव हैं। हम लास्ट 2 मंथ से कंट्रीब्यूशन मार्जिन पॉजिटिव है, तो लास्ट 3 मंथ का एवरेज कंट्रीब्यूशन मार्जिन हमारा -23% है, बट अगर सितंबर और अक्टूबर की बात करें तो +6% है। कंट्रीब्यूशन मार्जिन वो मेट्रिक है जिसे कंपनी की सेल्स से सारी वेरिएबल कॉस्ट हटा करके निकाला जाता है। ये वेरिएबल कॉस्ट रखती हैं पेमेंट गेटवे के कॉस्ट, बाकी सारी मेकिंग कॉस्ट और उसके साथ साथ डिलीवरी और मार्केटिंग के स्पेंड्स। कंट्रीब्यूशन मार्जिन एक बहुत ही जरूरी मेट्रिक इसलिए है क्योंकि इससे पता चलता है कि अगर फिक्स्ड कॉस्ट सेम रहे तो कंपनी कितनी प्रॉफिट स्केल पे बना सकती है। कंट्रीब्यूशन मार्जिन 1 के अंदर में कई सारे वेरिएबल कॉस्ट जैसे कि मेकिंग कॉस्ट, पेमेंट गेटवे कॉस्ट और उसके साथ साथ लॉजिस्टिक्स कॉस्ट हटा दिए जाते हैं। उसके बाद अगर आप कंट्रीब्यूशन मार्जिन 1 से अगर परफॉर्मेंस मार्केटिंग हटा दें तो बन जाता है कंट्रीब्यूशन मार्जिन 2। उसके बाद अगर आप जाएं और अपनी ब्रांडिंग कॉस्ट को हटा दें तो बन जाता है कंट्रीब्यूशन मार्जिन 3। उसके बाद फिक्स कॉस्ट अगर आप हटा लें तो बन जाता है इबिटडा। तो अब आप समझे क्योंकि कंट्रीब्यूशन मार्जिन का क्या बेनिफिट। ये एक प्रॉब्लम हो जाता है बिकॉज एज अ इन्वेस्टर ये समझ नहीं आता है कि कंज्यूमर प्यार से खरीद रहा है या इतनी मार्केटिंग हुई है इसलिए खरीद रहा है। दूसरा एक सजेशन है, दिस जनरेशन बहुत केयर करती है अबाउट वैल्यू फॉर मनी। यहाँ आप काफी क्लोज हैं
अडल्ट ब्रांड्स के प्राइस पॉइंट पे, अगर आप कंसिडर करेंगे इसका प्राइस पॉइंट 30-40% और कम करना, बहुत अनलॉक कर सकती हैं आप इवन अनब्रांडेड वाला मार्केट, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यंग वुमेन. बेस्ट ऑफ लक. थैंक यू. अभी जैसे अगर आपके पास 1 करोड़ रुपए बचे हैं, अगर ना मिले फंडिंग, तो व्हाट इज द प्लान बी? अभी का प्लान तो ये है कि देन फोकस ऑन प्रॉफिटेबिलिटी कंप्लीटली. CM2 तो ब्रेक इवन पे चलाएंगे. अभी जब आप देखोगे कि बहुत सारे फंडेड ब्रांड्स, लेगेसी ब्रांड्स, वो जब घुसेंगे तो ये और महंगा होता जाएगा, कस्टमर एक्सपेक्टेशन महंगा होता है, तो आप कैसे प्रॉफिटेबिलिटी की तरफ जाओगे और ग्रोथ भी लाते रहोगे? तो इसके लिए हमने चैनल स्ट्रेटजी शिफ्ट करी है. पहले हम वेबसाइट पे बहुत फोकस कर रहे थे, हमारा 60% कॉन्ट्रीब्यूशन वेबसाइट से आ रहा था, बट अभी हम फोकस कर रहे हैं चैनल पार्टनर्स पे, जैसे कि मिंत्रा और नायका पे. अभी लास्ट मंथ अक्टूबर में मिंत्रा का कंट्रीब्यूशन था 43%. Very nice. और ये इसीलिए था क्योंकि उनसे हमें B2B PO भी मिला. एक चैनल स्ट्रेटजी चेंज करी, उससे फर्क पड़ रहा है? उससे फर्क पड़ते हुए हमें दिख रहा है, क्योंकि कैग हमारा वेबसाइट पे ही 1000 रुपए पहुंच गया था, उसको अक्टूबर में हम 400 रुपीज तक लेके आए, बट मार्केट प्लेसेस में हमारा कैग ऑलरेडी 200 पे चल रहा है. So that works for us. Gross margin क्या बताया आपने? B2B वाला तो हमारा 36% है. और B2C में क्या है आपका? 75-80% के बीच में वेरी करता है, डिपेंडिंग अपॉन कि हम डिस्काउंट्स कितने दे रहे हैं. और आपकी इक्विटी स्प्लिट? 40% इक्विटी मेरे पास है. ओके. 25% प्रणाली के पास है. Okay. और बाकी एंजल्स. 35% is gone. Yes. Solid content, solid brand, and I think आप लोग ग्रो कर सकते हो और इस कैटेगरी में फोड़ सकते हो, बट बीच में आप कहीं अटके हुए हो. आपको अपने ब्रांड को और सॉलिडिफाई करना पड़ेगा इन दैट मार्केट, टारगेट मार्केट, जो आपने बहुत अच्छे से समझ लिया है, बट आप वो कर नहीं सकते. नहीं कर सकते हैं. नहीं कर सकते क्योंकि पैसे नहीं है ना. अनफॉर्चुनेटली उस सिचुएशन में ना मैं अपना रिस्क नहीं ले सकता आपके साथ पैसे लगा के, बट आई जस्ट होप यू गाइस डू वेल. सॉरी, आई विल हैव टू बी आउट. थैंक यू अमन. जैसे वो कहते हैं ना, फिल्में एंटरटेनमेंट 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 से चलती हैं, वैसे स्टार्टअप कस्टमर 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 से चलता है. तो आपने अपना कस्टमर बहुत अच्छे से फिगर आउट कर लिया है, पर आज आप जिस सिचुएशन में हैं वो इजी सिचुएशन तो नहीं है. आपको और प्रणाली को बैठ के बात करना पड़ेगा कि हमारे पास इतने पैसे हैं, हमें इस पर प्रॉफिटेबल भी होना है और सक्सेसफुल भी होना है. करना क्या है उस पर आप दोनों को अलाइनमेंट करना पड़ेगा. मैं आज क्योंकि वो क्लैरिटी नहीं है उस कारण से मैं बाहर हूँ, पर मैं चाहूंगा कि आप ये बिजनेस को सक्सेसफुल बनाएं, क्योंकि कस्टमर्स के लिए आपने फिगर आउट कर लिया. आपको बस अपने इस जो चक्रव्यूह में आप फंस गए उससे निकलना. जो आपके पास ऑलरेडी है उससे तो कंपनी बहुत डामाडोल स्थिति में है, राइट? मेरा ये व्यू था कि 1 करोड़ और डाल के इसको थोड़ा फोकस करके कैन वी गेट इट टू अ लेवल कि एक फाइटिंग चांस मिल जाए अपने को. लेकिन उसके लिए मैं ये वैल्यूएशन पे नहीं आ सकता. आई एम हैप्पी टू मेक यू एन ऑफर, आप ना बोल सकती हैं. It's 1 crore for 15%, right? Given the situation of the company, मुझे पता है आपको एक बार सुन के ऐसा लगेगा, and it may not be right, लेकिन आपको अपने options examine करने पड़ेंगे. क्या हम actually में 6% पे कर सकते हैं? You have 1 crore in your pocket. उसमें से burn 10 lakh हो रहा है, मतलब दीवार सामने दिख रही है हमें. Return on investment, economic sense बनना चाहिए, right? तो वो लेवल पे नहीं बन पाएगा. हमने जो प्री सीड राउंड किया था उसके और इस राउंड के बीच में हमने काफी सारा ग्रो किया है, काफी सारा लॉन्च किया है. वो एक बॉटम लाइन है जिसको मैं क्रॉस नहीं कर पाऊंगी. कितना है? 9% इज समथिंग वी रियली वांट यू टू जॉइन अस. आई वांट टू जॉइन यू गाइस एज वेल, लेकिन वो मैंने आपको जितना हो सकता था ऑलरेडी बता दिया. इसका जो आउटकम है वो आज नहीं दिख रहा है. तो आई एम जंपिंग इनटू अ पिट विद यू. नहीं, ऑलरेडी नंबर्स हैं. इट डजंट मैटर आपके नंबर्स क्या कहें, इसको अगर बड़ा करना है गिवन जो कंपटीशन आ रहा है, हमको पैसे रेज करने पड़ेंगे, राइट? 10-15-20 करोड़ रुपया एटलीस्ट रेज करना पड़ेगा. तो इट्स अ रियली रियली टफ प्रोपोजिशन. हमारे पास काफी यूनिक पाइपलाइन भी है. आई कांट बच. लेट्स क्लोज दिस. We would have loved to have you on board, but no problem. Thank you for coming to Shark Tank. No, thank you so much. Good luck, guys. Thank you. Good luck. All the best.